न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। विधानसभा कूच के दौरान कर्मचारियों पर पंचकुला में हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज को लेकर कर्मचारियों ने आज दमन विरोधी दिवस मनाया, जिसके तहत कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले रेवाड़ी में जोरदार प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सभी कर्मचारी रेवाड़ी के नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचे। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि गत 10 सितंबर को वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा का कूच करने गए थे, लेकिन इस दौरान सरकार ने कर्मचारियों के सवालों का जवाब देने या अन्य मांगों का बातचीत से समाधान करने के बजाय पुलिस से निहत्थे कर्मचारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने कर्मचारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इस लाठीचार्ज में अनेक कर्मचारी घायल हो गए, इसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आंदोलन की अगली कड़ी में 18 सितंबर को सभी जिलों में एस्मा के तहत रोडवेज व स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मचारियों की सभी प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाइयों व हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर सत्याग्रह किए जाएंगे। वहीं 23 अक्टूबर को राज्य के 10 कैबिनेट मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जिला प्रधान, ये जो हमने प्रदर्शन किया है, जो हमारा 10 तारीख का विधानसभा कूच था, उसमें सरकार ने मजाक किया, कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज की, आंसू गैस का प्रयोग किया, ये हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उसी विषय में हमारे 5-6 प्रोग्राम है, जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो जेल प्रदर्शन का था और 18 तारीख को हमारा